दोस्तों आज हम बात करेंगे जगदीश चंद्र बोस के बारे में, जिनका जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल में हुआ था। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से बीएससी और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बीए किया था। वे एक जीव विज्ञानी, भौतिक विज्ञानी, वनस्पति शास्त्री और साइंस फिक्शन के प्रारंभिक लेखक थे। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। दरअसल क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापने के लिए उपकरण है। उन्होंने पहली बार ये प्रदर्शित किया कि पौधों में भी भावनाएं होती हैं और वे भी इंसान की तरह महसूस कर सकते हैं। बोस ने वायरलेस कम्युनिकेशन की खोज की और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग संस्थान द्वारा उन्हें रेडियो विज्ञान का जनक घोषित किया गया। उन्हें व्यापक रूप से माइक्रोवेव रेंज में विद्युत चुंबकीय संकेतों को उत्पन्न करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है और वे भारत में प्रयोगात्मक विज्ञान के विस्तार के लिए जिम्मेदार हैं। 1917 में उन्होंने बोस संस्थान की स्थापना की, जो भारत का एक प्रमुख शोध संस्थान है और सबसे पुराने संस्थानों में से एक है।